इस शीट में ऑब्जेक्टिव नंबर वन इस पर डिस्कस करते हैं। कितनों का हो गया वैसे ये क्वेश्चन? अच्छा हो गया, ट्राई किया। पार्टिकल जिसका मास m है और चार्ज q है इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, लो उठा के ऊपर फेंक दिया एक बॉल की तरह। देखो आइडली मतलब पॉसिबल नहीं है ऐसे, बट चलो वो कह रहा है ऊपर फेंक दिया तो फेंक दिया। तो q चार्ज है ऊपर फेंका। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इज एक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E कहाँ पर है? वर्टिकली डाउनवर्ड्स। पॉजिटिव चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि डाउनवर्ड, लेकिन आप जबरदस्ती उठा के उसे कहाँ फेंक रहे हैं? अपवर्ड। तो रिटार्ड करने वाला है। वैसे मैं बता दूँ आपको, जैसे ग्रेविटी भी नहीं होता, एक पत्थर को अगेंस्ट ग्रेविटी ऊपर फेंको रिटार्ड करेगा और स्लो डाउन होकर रुक जाएगा टॉप में। ऐसी चार्ज भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जा रहे हैं तो क्या करेगा? वो रिटार्ड करेगा। ठीक, अब इसमें वो कह रहे हैं मोस्ट अप्रोप्रिएट ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी यू, और वो लिख भी रहा है ग्रेविटेशनल प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी नहीं है, ग्रेविटेशन की एनर्जी भी है, यानी कि इसमें वेट को भी कंसिडर करना है क्योंकि ग्रेविटी का इफेक्ट भी लेना है। तो सोचो एक मास को अगर आप ऊपर फेंक रहे हो, तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड ना होता तो एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल सिर्फ mgh, बात खत्म थी। पर यहाँ पर आपको दो दो फोर्सेस के अगेंस्ट काम करना है, वेट फोर्स के अगेंस्ट तो काम करना ही था, और एक और फोर्स है जो चार्ज एक्सपीरियंस करेगा QE, तो QE इंटू एच भी, क्योंकि QE फोर्स भी कहाँ कर रही है? नीचे वेट के साथ, तो नेट फोर्स कितनी है? mg प्लस QE, तो नीचे वेट बढ़ जाएगा क्योंकि mg फोर्स तो नीचे है ही, mg के साथ QE भी नीचे एक्ट करेगा, तो नेट फोर्स नीचे की तरफ कितनी है? mg प्लस QE, और कितनी हाइट तक? h। ये एनर्जी है। पर इस क्वेश्चन में E कांस्टेंट है, Q कांस्टेंट है, G कांस्टेंट है, M कांस्टेंट है, तो U किसके प्रोपोर्शनल है? H, स्ट्रेट लाइन। U और H का वेरिएशन है, फर्क क्या पड़ रहा है? ना Q चेंज हो रहा है, E चेंज हो रहा है, X इज प्रोपोर्शनल टू Y, तो स्ट्रेट लाइन आंसर। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन है। mg को तो h से करते हैं ना, mg h कैसे बनता है? mg फोर्स डाउनवर्ड इनटू h, ऐसे ही QE फोर्स डाउनवर्ड इनटू h, वर्क डन हो गया। ऐसे नहीं करना, ऐसे कर लो, वेट बढ़ गया ऐसे बोल दो, वेट कितना हो गया? mg प्लस QE इनटू h। ठीक, इसके बाद ये एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का ग्राफ आप बता सकते हैं, मुझे बता देना, मैं ज़्यादा बता नहीं पाऊँगा। ठीक, बताता हूँ क्यों। मतलब नॉर्मली आप कहोगे सर ग्राफ हमें कैसे पता? मुझे भी पता नहीं लगेगा ग्राफ कैसा बनेगा इस क्वेश्चन में, मैंने भी याद किया हुआ है, और याद भी क्या हुआ, याद भी ऐसा किया कि गलत मार्क कर दिया। आंसर इसका डी है वैसे, ठीक, सी की जगह डी है, सी नहीं है इसका आंसर। मैं दो तीन बुक्स रेफर किए हैं उसमें डी मेंशन है। आप कहोगे कि ये बनाया आपने? नहीं, मैंने बनाया नहीं। मैं क्यों नहीं बना पाया आप खुद देखना। क्वेश्चन है कि आपको इसमें दो आइडेंटिकल चार्जेस हैं क्यू एंड क्यू, लिख दिया क्यू एंड क्यू, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ एल। वो कह रहे हैं कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स प्लॉट कर रहे हैं, कि मतलब कि एक्स का मतलब है कि वो डिस्टेंस कहाँ से, क्यू से डिस्टेंस है, क्यू से डिस्टेंस है जहाँ पर मैं ई की वैल्यू निकाल रहा हूँ। अब ई की वैल्यू मिड पॉइंट के लेफ्ट पे कुछ और है, मिड पॉइंट पे तो पक्का जीरो है क्योंकि क्यू और क्यू आपस में ई निकालने के चक्कर में दो वेक्टर को क्या कर जाएंगे? कैंसल, तो जीरो हो गया। और यहाँ पे कुछ और है, चलो एक एक करके करते हैं। मान लो पहले मैंने पॉइंट मिड पॉइंट से लेफ्ट लिया, पी पॉइंट यहाँ पे ले लिया, तो यहाँ पर चार्ज क्या पड़ा हुआ है? प्लस वन। तो ये चार्ज इस प्लस वन को क्या करेगा? रिपेल। और वो चार्ज इस प्लस वन को क्या करेगा? रिपेल। अब जब ये रिपेल करेगा तो ये दूरी छोटी है, और क्यू से दूरी इसकी पी पॉइंट की बड़ी है, चार्ज तो बराबर ही है, तो इसका अफेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का राइट की तरफ बड़ा होगा क्योंकि डिस्टेंस छोटा है। तो ये बड़ा वेक्टर है और ये छोटा वेक्टर है क्योंकि इसका डिस्टेंस कम है, तो ये बड़ा वैल्यू होगी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? टुवर्ड्स राइट होगा, या ये चीज क्लियर है? डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? टुवर्ड्स राइट होगा, कोई डाउट इसमें? अगर आप मिड पॉइंट की बात करते हो तो ये क्यू चार्ज प्लस वन को रिपेल करेगा और वो क्यू चार्ज प्लस वन को रिपेल करेगा, दोनों ई एंड ई कैंसिल हो जाएंगे और नेट आंसर क्या जाएगा? जीरो। ये भी क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट है, अगर कोई पॉइंट यहां पे लेता हूं, राइट, अगर कोई पॉइंट मैं यहां पे लेता हूं मींस मिड पॉइंट के राइट, तो अब इसका अफेक्ट यहां पे बड़ा हो जाएगा लेफ्ट की तरफ क्योंकि इसकी दूरी छोटी है, और इसका अफेक्ट
कम हो जाएगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा? लेफ्ट। तो यानी कि पहले राइट, फिर जीरो, फिर लेफ्ट। राइट पॉजिटिव वैल्यू है, जीरो जीरो वैल्यू है, और लेफ्ट नेगेटिव वैल्यू है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने क्वाड्रेंट को चेंज करेगी करेगी, आधे रीजन में वैल्यू पॉजिटिव रहेगी और आधे रीजन में वैल्यू नेगेटिव रहेगी। ये बात समझ में आती है? तो ग्राफ नंबर ये दो तो हो नहीं सकते, इसमें वैल्यू पॉजिटिव ही पॉजिटिव है, नेगेटिव है ही नहीं। तो क्वाड्रेंट तो चेंज करना बनता ही है, तो ई नेगेटिव तो होगा ही होगा, तो या ये। अब इन में से क्या ग्राफ है? मान लो मैंने इस पॉइंट को सॉल्व किया, तो इसने यहाँ पर ई क्या लगाया? 1/4 πε0 q/x2, और उस q ने क्या लगाया l माइनस एक्स पे? 1/4 πε q/l − x2। मैंने माइनस किया, ये आंसर आ गया। आप लगा लो मैथ, मुझे बताओ इसको देखते हुए e और x का क्या ग्राफ बनेगा? मुझे नहीं पता क्या बनेगा, d बनेगा, क्योंकि मैं नहीं ग्राफ बना सकता इतने बड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में। कौन बनाएगा? तुम्हारा पास मैथ्स है, तुम नहीं बना पाओगे। कैसे बनाओगे? इसको सॉल्व कर भी लोगे, इसका डिनोमिनेटर चल रहा होगा एल माइनस एक्स के होल स्क्वायर में, एक्स स्क्वायर भी चल रहा है, मुश्किल है। डी ग्राफ मार्क करो सीधा, इसमें यहाँ पर वैल्यू जीरो है, पॉजिटिव है और नेगेटिव है। मैंने ग्राफ नहीं बनाया, मैं तो आपको रेफर करके बता रहा हूँ कि भैया डी ग्राफ है। कंप्यूटर में फंक्शन पुट करना पड़ेगा, उसका ग्राफ कंप्यूटर से बनाना पड़ेगा, या कुछ तुम्हें मैथ्स का कोई ट्रिक, कोई मैथ वाला सिखा दे तो बात अलग है, जिससे ये ग्राफ बन जाए। तुम ट्राई कर सकते हो, तुम कर लो, ठीक। सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं है, इकलौता यही क्वेश्चन है, ठीक। तुम बना सकते हो, ओपन है, तुम बनाओ, नेट पे ढूंढो, गूगल ढूंढो, मैथ लगाओ, स्लोप निकाल लो, जैसे मर्जी करो, मेरे से डी ऑप्शन मार्क करवा लो, बस इतना चक्कर में नहीं पड़ना। किसमें फोर्स का भी सेम बनेगा ना, क्योंकि ई और एफ तो एक ही बात है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में डाउट इन दोनों में, नेक्स्ट 6-7 इसमें, नेक्स्ट इसमें डाउट कौन सा? ये वाला नहीं, मेरा 9th, आपका 9th अलग होगा ना। ये आपका इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स अबाउट अ नेगेटिव पॉइंट चार्ज इज रेडियली इनवर्ड, नेगेटिव पे स्टेटमेंट बोलना, इलेक्ट्रिक डायपोल विल हैव मिनिमम एनर्जी व्हेन इट सबटेंड्स एन एंगल ऑफ। दो मिनट रुको, अगला टॉपिक यही शुरू करने जा रहा हूं मैं, एनर्जी और ये सब कुछ, वेट करो, ठीक। नेक्स्ट, ठीक है, क्लोज।